मतलब छोड़ना, खुद नहीं छोड़ना और बाद भगवान को दोष देना। एक मैया, एक बार हम कथा सुना रहे थे तो हम कथा पे जाते ना, तो पास में एक मैया जी थी, वो हमें रोज कथा के टाइम पे बाहर बैठी, ठंडी का टाइम था, धूप में बैठती थी और अपने बालों को सुलझाती रहती थी कंघी से। हम उनसे रोज कहा करते, मैया जी चलो कथा पे, पास में ही हो रही है। अरे महाराज, भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। हम चले गए कथा पे, कथा सुनाई, वापस आए। फिर दूसरे दिन फिर जाने लगे तो संयोग से दूसरे दिन भी हमें वो माँ मिल गई। हमने कहा मैया आज कथा पे चलो, आज दूसरा दिन है, महाराज भगवान बुलाएंगे तो हम आएंगे, आप चलो। हमने कहा हम तो जा ही रहे हैं। तीसरा दिन, चौथा दिन वो रोज यही कहती, भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, भगवान बुलाएंगे तो। सातवें दिन फिर बोली, हमने सातवें दिन मैया आज तो चलो, बोले भगवान बुलाएंगे तो आएंगे। हमने कहा भगवान ने हमको ही भेजा है कि उनको बुला के लाओ, चलो चलो। अब तुम्हारे घर पे आके हम खुद कह रहे हैं कि चलो, और क्या चाहती हो। सात दिन हो गए उस मैया ने नहीं गई कथा पे और वो भगवान को ही कहती रही, भगवान। हम सातवें दिन कथा सुना के आए, हमने कहा मैया आप कथा पे एक भी दिन नहीं आए, भगवान ने बुलाया ही नहीं। मतलब सारा दोष भगवान का है। पांव तुमको दिए हैं, पास में कथा थी और कह भी रहे हैं, हम स्वयं उससे बोले थे, बहुत पुरानी घटना है, इंदौर की ही घटना है। और लेकिन मैया ने सात दिन निकाल दिए, कथा पे नहीं गई और कहते हैं भगवान ने नहीं बुलाया, भगवान ने ऐसा दोष भगवान को देते हैं। अरे भाई, भगवान ने तुम्हें पांव दिए हैं, इसलिए तो दिए हैं कि अपने पांव से चलकर कथा तक पहुंचो। कान दिए हैं इसलिए तो कि तुम कानों से कथा सुनो। आंख दी तो है, तुम अंधे होते तो फिर भी हम कह सकते थे कि चलो तुम दर्शन के योग्य नहीं हो, पर आंख दी है किस लिए, ये दुनियादारी देखने के लिए नहीं, गोविंद को देख लो। कान दिए हैं प्रपंच के लिए नहीं, कथा के लिए। पांव दिए हैं चलने के लिए कि चलो चलकर तुम कथा पांडाल तक पहुंचो। इन पांव का होना तब सफल है जब आप कथा तक पहुंचते हैं, इन आंखों का होना तब सफल है जब कृष्ण का दर्शन करते हैं, कान का होना तब सफल है जब कानों से कृष्ण की कथा सुनते हैं, हृदय तब सफल है जब इस मन मंदिर में कृष्ण को बिठा लो।